कुछ और बताओ भाई यहाँ के बारे में। ये अच्छी जगह है। ओ भाई अच्छी जगह है फटुओं के लिए। हे गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल नोमैडिक जोनी। और आज मैं हूँ देहरादून में हमारे प्रखर भाई के घर। प्रखर भाई हमारे साथ चंद्रशिला ट्रिप पे थे, बद्रीनाथ ट्रिप पे, कल्पेश्वर और ओली। और आज हमें घुमाएंगे। कहाँ लेके जा रहे हैं? लंबीधार। लंबीधार कहाँ है? लंबीधार वहीं से है, मसूरी से थोड़ा आउटर में। कितने किलोमीटर? यार यहाँ से है 35 किलोमीटर। जाएंगे कैसे? बाइक। सो आज हम बाइक राइड पे करने वाले हैं मस्त। तो कल रात मैं पहुंचा देहरादून चोपटा से और अभी हम जाते हैं मसूरी। उसके बाद फिर मेरे को दिल्ली की फ़्लाइट पकड़नी है कल। तो सो देहरादून से हम चल दिए मसूरी के रास्ते। और जो रास्ता था मसूरी का बहुत ही खूबसूरत था। और मौसम, जैसा कि हम मॉनसून में ट्रैवल कर रहे थे तो मौसम बेहद ही शानदार था और काफ़ी चारों तरफ हरियाली थी। तो चलते हैं और करते हैं एंजॉय देहरादून से मसूरी का ये रास्ता। और करते हैं एक्सप्लोर। तो प्रखर भाई लाए हमें मसूरी के किसी कैफ़े में। मतलब अभी मसूरी पहुंचे नहीं है। मसूरी कितनी दूर है? मसूरी यहाँ से ये करीब 10 से 12 किलोमीटर। 10 से 12 किलोमीटर। हेलो। सो देहरादून से चले हुए हमें लगभग आधा घंटा हो गया। प्रखर भाई लाए हमें एक जगह का नाम है लंबीधार। और ये बेसिकली इंडिया की 6th मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। और यहाँ पर अभी हम मतलब थोड़ा टाइम रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ये मसूरी के आउटस्कर्ट में है, बेसिकली प्रॉपर मसूरी में नहीं है। और प्रॉपर मसूरी जाने का हमारा मन भी नहीं था, थोड़ा ऑफ बीट जाना था। कुछ और बताओ भाई यहाँ के बारे में। ये अच्छी जगह है। ओ भाई अच्छी जगह है फटुओं के लिए। सो भाई और रात को यहाँ पे कैंपिंग करने आते हैं। हमने काफ़ी कैंप्स किए यहाँ पे, देख लो। मैं भी यहाँ तो कैंप क्यों नहीं लाए, आज कैंपिंग करते हैं यहाँ पे। यार असल में मौसम देख रहा हूँ यहाँ पे इस समय जो चल रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत मौसम तुरंत चेंज। सो प्रखर भाई बताएंगे ये जगह हॉन्टेड प्लेस में क्यों आती है, 6th हॉन्टेड प्लेस क्यों है। यहाँ पे आज से कुछ टाइम पहले जो है माइनिंग होती थी मार्बल्स की। तो ये बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये हॉस्पिटल है। ओके, ये हॉस्पिटल है। तो जो मतलब ऐसी प्रॉब्लम होती थी या जो भी गिरते माइनिंग का होती थी। माइनिंग सामने हिल है अभी कोहरा रुकने तक हम वेट करेंगे। ये माइनिंग होती थी और उस माइनिंग में जो नॉर्मल ट्रक्स वगैरह गिरते थे नीचे या लोग जो कम मजदूर काम करके गिरते थे वो यहाँ पे लाके एडमिट किए जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे एक टाइम में आग लगी थी तो काफ़ी उसमें मरे थे लोग। और जो सामने हिल है जहाँ पे ये होती है, यहाँ पे माइनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें भी उसमें भी काफ़ी लोग मरे थे। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मतलब ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है और आवाज़ वगैरह साउंड्स वगैरह ऐसे आते हैं रात में। आज भी आपको कभी आई? अभी तक तो ऐसा कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग इतने दिन रुके हैं। बाकी तो नॉर्मल आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा क्लियर नहीं है। बस हाँ ये है कि हम लोग देखें, हम लोगों ने अपने सामने जैसे कुछ मतलब लड़के आते हैं यहाँ पे, उनको मतलब ये है कि ऐसा उनके साथ कुछ हो जाता है कि अग बक रहे हैं अचानक से, मतलब ऐसा जैसे भूत आ गया हो। हाँ लाइक जैसे अभी नीचे हमारे शोएब सर है जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रहते हैं, उनसे तो मैं मिलाऊंगा, उनके पास ऐसी ऐसे क्लिप्स हैं जो मैं शेयर करूँगा, वो तुम्हें दिखाएंगे मतलब हाँ है ऐसा। सो ये है लंबीधार, मसूरी का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, यहाँ का मोस्ट हॉन्टेड है। हाँ। उत्तराखंड इंडिया का सिक्स्थ, उत्तराखंड का फर्स्ट। हाँ उत्तराखंड का। सो उत्तराखंड का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है लंबीधार, जहाँ पे हम आए हैं। रात के टाइम कैंपिंग करते हैं बट भाई कैंप ही नहीं लेके आए। मौसम भी अच्छा नहीं है कैंपिंग के लिए, मौसम अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत मतलब बारिश वाला मौसम हुआ है। तो आज देहरादून ही जाएंगे भाई के घर पे वापसी, और अब भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं, थोड़ा वेदर ठीक होता है तो ड्रोन उड़ाएंगे, नहीं होता तो किसी और जगह जाके उड़ाएंगे। हल्की ठंड लगनी स्टार्ट होगी। सो ये सामने पहाड़ है जहाँ पे माइनिंग्स होती थी, और ये नीचे रोड जा रही है। हाँ ये गांव के लिए जाती है, ये गांव के लिए रोड जाती है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये बीच में आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा इसको प्लेन किया गया है, सीढ़ियाँ बनाई गई है और उसके ऊपर प्लांट्स लगाए गए हैं। और ये प्लांट्स लगाए हैं आर्मी वालों ने, आर्मी और लोकल्स ने लगाए हैं ताकि ये पेड़ गिरे ना, ये पहाड़ गिरे ना, क्योंकि ये पहाड़ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो गई थी और अब ये गिरने वाला था। ये बात है ना, ये वहाँ तक है पूरा माइनिंग एरिया है ना। और इसके आगे क्या है? ये नीचे वो गांव है वहाँ पहाड़। अच्छा तो ये रोड नीचे तक जाती है, ये मसूरी का है। उधर मसूरी है सामने, तो मसूरी से एक रोड आती है हाथीपाँव रोड से यहाँ पे ये पड़ता है। आधा घंटा हो गया है, बारिश रुक नहीं रही है, बारिश हो जा रही है। थोड़ी ठंड हो गई थी तो मैंने ये स्वेट शर्ट पहन लिया। So I hope you like this video. If you like, do let me know in comment section below. I will see you on next video at a new destination. Do subscribe the channel Nomadic Jony. Stay tuned, stay blessed.